महाराज एक दुखद खबर है। क्या हुआ? महाराज मेघनाथ भी वीर गति को हराप्त हुए। हेलो, इंद्र को जीतने वाला इंद्र जीत वीर गति को प्राप्त हुआ, इसका अर्थ साफ है शत्रु सामान्य योद्धा नहीं है। अब मुझे अपना सबसे बड़ा हथियार निकालना पड़ेगा। ऐसे योद्धा को बुलाना पड़ेगा जो माया में निपुण है, जो किसी का भी रूप बना सकता है। पुत्र रावण, तुम्हारे पिता को आज तुम्हारी आवश्यकता है। पुत्र रावण प्रकट हो, पुत्र रावण प्रकट हो, पुत्र रावण प्रकट हो। किंतु लंका पर बहुत घमासान संकट मंडरा रहा है। क्या कहा? लंका पति पर संकट। आप कहो तो सूर्य चंद्र को इन चरणों पर ला दूंगा। एक बार कहो पिताश्री, ब्रह्मांड को हिला दूंगा। आसमान की टक्कर से छोलों का दिल दहला दूंगा। एक बार कहो पिताश्री, जग में त्राही त्राही मचा दूंगा। कहिए पिताश्री, ऐसी भी क्या विपदा आई जिससे आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई? हम तुम्हें बुलाना नहीं चाहते थे पुत्र, किंतु परिस्थिति ऐसी है। लंका के शूरवीर योद्धा सभी का अंत हुआ। तुम्हारे काका श्री कुंभकर्ण
तुम्हारा भाई इंद्रजीत भी वीर गति को प्राप्त हुए। कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध, पिताश्री यह बतला दो उसने यह सब मारे क्यों? अरे संग राम हुआ किस कारण से? हुए वो शत्रु हमारे क्यों? कुछ समय पहले पंचवटिका में दो राजकुमार आए थे। बहन सूपनखा पंचवटिका में घूमने गई तो उन तपस्वियों ने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए। फिर खरदूषण का वध किया, उसके बदले में हम उसकी स्त्री का हरण कर लाए। उसने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके लंका पर आक्रमण किया और फिर वो कुल द्रोही, वो देश द्रोही, वो जाति द्रोही भी उस राम से जा मिला। विभीषण लंका के सभी शूर और वीर योद्धाओं का वध हो चुका है। महाबली कुंभकर्ण और स्वयं इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ भी मारा गया। पिताश्री इस झगड़े में कुछ उचित दिखाई ना देती है। जो भी विचार मैं लाता हूँ मन में बेचैनी होती है। जब इतने शूर और वीरों का पल भर में संहार हुआ तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। यदि उपदेश देने की इच्छा है तो पाताल में जाकर राज करो, हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। ए, तुम खुद ही बताओ, कोई हमारे बहन के रूप को बिगाड़ दे और हम बदला न ले? अरे सत्यम शिवम सुंदरम से जो बेल कर आकार बनता है वो मैं हूँ। मैं भया करती है मेरी डुमडुमी आकाश के प्रथम में, प्रकाशित हो रहा है मेरा ही तेज उपवन में। मेरी शोभा है जो चंद्रमा बनकर दमकी है, मेरी आभा है जो सूर्य बनकर चमकी है। अरे अरे वो काटे हमारी बहन के नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे पीस पूजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। पिताश्री मैं आपके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ, परंतु मुझे करना क्या होगा? जैसा कि पुत्र तुम किसी का भी रूप बना सकते हो, मैंने अभी बताया कि कुल द्रोही विभीषण राम से जा मिला तो उसका फायदा उठाओ, उसका रूप बनाओ और दोनों राम लखन को हर कर लाओ। माँ कमाक्ष देगी बलि चढ़ाओ। पिताश्री मैं चाहता हूँ ऋषि में ही उन दोनों को घर लाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी उनको ये भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात अभी बाकी है, पहले उस को ही हरना है। अपनी माया कांत कर उस रमा तल में करना है। वो सब तो ठीक है पुत्र रावण, किंतु हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों तपस्वी माँ कमाक्ष देवी की बलि चढ़ चुके हैं? पिताश्री जब भी रात्रि के समय पूर्ण उजाला होगा तो आप ये समझ लेना कि आपका यह कार्य पूर्ण हुआ। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजय भव पुत्र मैं जाता हूँ युद्ध के मैदान में, सामना मेरा करे है ताकत किस बलवान में। अरे काल भी उसका छुपा है मेरी इस तलवार में। इंसान की औकात क्या बचने की ताकत ना भगवान में।
आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजय भाव पुत्र।